हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 6 ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 6.4 का प्रॉब्लम नंबर 1 डिस्कस करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या दिया हुआ है इस प्रॉब्लम में। दो ट्रायंगल्स हैं ए बी सी और डी ई एफ, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं और ट्रायंगल ए बी सी की एरिया दी हुई है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, वहीं डी ई एफ की एरिया दी हुई है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। EF की लेंथ दी हुई 15.4 सेंटीमीटर और हमें BC की लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए गिवन है आपका EF इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर, ठीक है। और देखिए ट्रायंगल ABC और DEF सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, एज ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, DE, F। अब हम जानते हैं कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हों तो उनके रेशियो ऑफ एरिया जो होते हैं वो बराबर होते हैं स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। अब देखिए अगर हम BC लेते हैं तो EF, ठीक है, ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल होंगे, तो इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय EF का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एरिया ऑफ ABC दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये देखिए गिवन है आपका 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। वही एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF 121 सेंटीमीटर स्क्वायर दी हुई है, इक्वल टू BC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो BC डिवाइडेड बाय EF की लेंथ दी हुई 15.4 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए BC की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहां से हम लिख सकते हैं BC स्क्वायर इक्वल टू 64 इंटू 15.4 डिवाइडेड बाय 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये हम डिवाइड करेंगे, 11 से डिवाइड कर देते हैं, तो 15.4 इंटू 64, चलिए इससे हम डायरेक्ट रूट ले लेते हैं, BC इक्वल टू 8 इंटू 15.4 डिवाइडेड बाई 11 सेंटीमीटर हो जाएगी, 11 इंटू 1 11 और 0.4 तो 1.4 इंटू 8, देयरफॉर BC इक्वल टू 11.2 सेंटीमीटर, यही हमारी रिक्वायर्ड लेंथ होगी BC की। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन डिस्कस किए, बाकी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट विजिट करें, प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।